सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, अरे क्या था ये यार,
बहस की यहाँ किसी ने तो मतलब हाई कर दिया एकदम ही। तो अब मैं भी कैसे धर्म है, तो अब इसमें मतलब कॉन्स्पिरेसी तो होनी थी, तो लोग कहने लगे कि नहीं इसमें तो लेड है। एक्चुअली वो उसमें था मोनोसोडियम ग्लूटामाइट, तो हम उसको बोलते थे MS, तो MSG था, तो एक MSG और था मैसेंजर ऑफ गॉड, तो हम MSG को MSG नहीं बोल सकते थे। वो तो साला बाद में पता लगा एक MSG जो था ये पेड़ को नुकसान पहुंचा रहा था, दूसरा MSG गुफा में अपने ही पूजा को जा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैं घर पे मैगी बना रहा था, मेरा दोस्त मेरे पास आया, वो कहता तो उसने कह दिया 250 का पिज्जा ऑर्डर कर दिया। कहता क्यों, ओरिगैनो डालने इसमें, इसे कहते हैं डेडिकेशन। बंदे ने 10 रुपए की मैगी के पीछे 250 रुपए का पिज्जा ऑर्डर कर दिया ओरिगैनो के लिए। तो मैं तो मतलब मैगी का हूं कल्ट फॉलोअर, तो मेरे आगे कोई ईपी की तारीफ कर दे तो तलवारें निकल जाती है भाई साहब। तो मतलब अशरफ अली वाला सीन हो जाता है कि अशरफ अली तेरा ईपी जिंदाबाद होगा, मेरा मैगी जिंदाबाद है था और रहेगा। तो यू नो हाउ बैचलर्स लिव राइट। तो मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ सोलन में, तो बैचलर्स अपने रूम की सफाई कब करते हैं, जब किसी के पेरेंट्स आ रहे होते हैं। तो मेरे फ्रेंड के राहुल के मदर आ रहे थे, तो हमने सफाई करी, लेकिन यू कैन नॉट क्लीन योर होम इनफ फॉर एन इंडियन मदर। तो उसकी मम्मा आई, कहती नालायक लड़को तुमने किचन में गणेश जी के मूर्ति के आगे अंडे रखे हुए हैं और उसके साइड में हार्पिक की बोतल। तो मैं तो पहले मैंने कहा अच्छा किचन में गणेश जी की मूर्ति भी है, तो हमने विसर्जन किसका किया था। तो आंटी ने 3 थिंग्स कि बच्चे सुधर जाएंगे, एक उन्होंने छोड़ी होम्योपैथी की दवाई, दैट बिकम आवर पोस्ट डिनर स्वीट डिश। दूसरी उन्होंने छोड़ी बिंदी अपनी मिरर पे कि मतलब वो तो वही जाने लॉजिक उसका। आई वोक अप नेक्स्ट डे, आई एम रेडी फॉर कॉलेज फॉर माई टाइम, इट टुक मी 15 सेकंड्स टू रियलाइज व्हाट जस्ट हैपेंड विद मी। तो उसके बाद फिर आंटी ने छोड़ी तीसरी थी पिसा हुआ जीरा, वन गाय रोल्ड इट एंड स्मोक्ड इट आउट। तो कहता ओ यार इतना स्मूथ है कौन लाया, मैं कहता मम्मी ने दिया। तो आई लिव बेसिकली जॉइंट फैमिली, तो मेरे दादाजी को ना छोटी छोटी संस्कार वाली चीजों से प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं अपने पापा को पापा बुलाता हूँ, उन्हें उसी से प्रॉब्लम है। तो कहते क्या पापा पापा करता है, पापा 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 कैसे। तो मैंने कहते पिताजी बुलाया करो इन्हें, मैंने कहा क्यों ये पीते हैं, व्हाट्स द लॉजिक। तो फिर मेरे पापा को इस बात से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, एक्सेप्ट दैट वंस की जब उनके ना NRI फ्रेंड आ रहे थे USA, तो पापा को गया इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि उनके सामने हम बहुत अनुकूल लगने वाले हैं। तो पापा अभिषेक इधर आओ, आज से तुम्हारा पापा नहीं हूं, थोड़ा डाउट मेरे को पहले से था, कहता था पापा अडॉप्टेड है। तो मैंने कहा डैडी आप बोल रहे हैं, कहते वो तुम्हारे ना सैंडी अंकल आ रहे हैं संदीप रेड से, कहते वो यूएस जाके ना लोग अपना नेम चेंज करा देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरे को आपसे डैडी बुलाओ। तो पापा ने क्या किया, इंग्लिश वगैरह बोलना शुरू कर दिया, रात को छत पे खड़े थे, कहते वो ब्यूटीफुल स्टार इन द नाइट, सवेरे नीचे जूते फोंक रहे थे, कहते बार्किंग डॉग सैंडम बाइट। मैंने ये सैंडम वर्ड आपको किसने सिखा दिया, तो मतलब अंकल के आने से पहले उन्होंने क्या किया, मतलब न्यूज़पेपर भी बदल दिया, उन्होंने दैनिक जागरण आता था द ट्रिब्यून लगवा दिया। तो आखिर वो दिन आ गया, अंकल आए, तो पापा चाचा सब बैठे हुए थे अंकल के साथ, तो पापा तो मेरे को भेजा चाय लेके, तो मम्मी भी फाइट कर रहे थे, मम्मी ने भी अच्छी तरह मतलब चाय वगैरह बनाई थी अच्छी वाली क्रॉकरी पे, आम दिए और स्पून के साथ की पीट करके खाने, उससे पहले हमने सिर्फ आम चूसे थे। तो पापा भी कह रहे कि हाँ हम भी शिरडी गए थे, 22 घंटे लग गए, जेट लैग हो गया। अंकल भी कह रहे हैं हम भी 22 घंटे लग गए, USA आए जेट लैग हो गया, उनकी अपनी चल रही है। तो पापा वेट कर रहे थे कि क्यों मैं उनको डैडी कैसे बुलाऊं। तो मैं अंदर गया, तो लेकिन प्लान हो गया फ्लो, क्योंकि जो अंकल थे उनके बेटे उनको डैडी कह के पुकार रहे थे, पिताजी कह के पुकार रहे थे। तो प्लान फ्लॉप हो गया, तो पापा ने चाहते कि मैं उनको डैडी कैसे बुलाऊं। तो उन्होंने अपनी फिंगर की ऊपर बोर्ड की साइड जहाँ पे गांधी जी का पोर्ट्रेट था, मे बी ही वॉन्ट्स मी टू कॉल हिम बापू और समथिंग।
But I didn't know that. So I said, you can try it too, Mahatma. And then, you can try it too, Dadaji, Paramatma. Thank you.